Super Bico Marmara, şu burada var. Burada var. जानकारी के लिए बता दें आपको कि आज बिहार में आप देख रहे हैं जो उथल पुथल चल रही है, हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी आग जो है अभी हम लोगों के दिलों से ठंडी नहीं हुई है और चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया गया उनके परिवार के लोगों के द्वारा, आप चिराग पासवान जी के साथ की जब आवश्यकता थी तो उनके चाचा जो है वो विभीषण का काम करने का काम किया उन्होंने और उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तत्कालिक जो सरकार हमारे जो बिहार में चल रही नीतीश कुमार के इशारे पर वो पार्टी को तोड़ने का जो काम किया गया है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ उस चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान को जितना सताया जा रहा है, जितना उनको तड़पाया जा रहा है, जिस प्रकार सोना तपने के बाद उतना निखरता है, तो चिराग पासवान की छवि उतनी निखर रही है और मुझे लगता है कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश में चिराग पासवान एक नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं। तो मुझे लगता है जो विगत चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उस चुनाव में जो 25 लाख बिहार की जनता ने जो वोट दिया है उसका आशीर्वाद स्नेह चिराग पासवान जी के साथ है। और यह बता देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस पासवान मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि वह विरासत चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का देन था और ऐसी स्थिति में जब उनको साथ की आवश्यकता थी तो पशुपतिनाथ पारस ने उनके पीठ में छोरा भोंकने का काम किया और 5 सांसदों को लेकर जदयू में मिलने का काम किया है। हम इनकी रोहतास जिला के लोजपा इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं हम इसका घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और हम लोगों ने आज मुद्दा दहन किया। लोकतंत्र शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद।